हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम आला वैकेंट प्रोमो लो मूवी जो हिंदी में आने वाली है, वर्ल्ड प्रीमियर होने वाली है, इससे कुछ अपडेट्स के बारे में, किसने आवाज दी है और जो भी न्यू अपडेट्स निकल के आ रही है, और कल जो बूटा बोमा सॉन्ग रिलीज हुई है, थोड़ी सी जो टीज निकल के आई है, उस पर थोड़ा सा हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और वो जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे तो दबा जरूर दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की। तो बात करूं सर, सबसे पहले मैं बूटा बोमा सॉन्ग की, तो मैं सॉन्ग को क्या कहूं, मतलब वो जो मतलब जितने भी इसमें सॉन्ग थे ना, मैं पहले बोल दूं, जो फिल्म की रीजनल जो मतलब तेलुगु वर्जन सॉन्ग है वो चार्ट बस्टर है यार, और मुझे ना वो वाइब्स नहीं आ रही, और वो बेशक होगा ही, क्योंकि अगर कोई सॉन्ग पहले से क्रिएट किया गया तो उस माइलस्टोन को वो टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, रिक्रिएशन रिक्रिएशन ही होती है। जैसे कि हम लोग को साउथ की मूवी, हम लोग को हिम्मत सहजादा आप लोग देख लीजिएगा, जब ये मूवी आएगी आला वैकेंट मूवी की मूवी जो सहजादा आने वाली है देख लीजिएगा, उसी टाइप से जो सॉन्ग है वो मतलब कहीं ना कहीं वो वाइब्स नहीं दे रही है। पर फिलहाल ये इतनी अच्छी बात है कि जिस मूवी में जितने भी सॉन्ग्स रिक्रिएट किए जा रहे हैं, जितने भी सॉन्ग्स में हैं, उससे उनके ओरिजिनल सॉन्ग जो ओरिजिनल में उन्होंने गाया है उसी सिंगर से उन्होंने गवाया है, तो ये कम से कम अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो अरेंज उन्होंने म्यूजिक का किया है ना, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप अगर उस सॉन्ग को सुनिएगा जो बूटा बोमा का थोड़ा सा टीजर हुआ है, उस पर जो पीछे पे लूप पे लगता है कि वो म्यूजिक चल रहा है, ढिंका चिक्का ऐसे जो भी चल रहा है, सॉरी ढिंका चिक्का बोला मैंने, पर जो भी जो म्यूजिक चल रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि लूप पे चल रहा है, उसके बाद में जो वॉइस है ना उस पर पुट किया गया, तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच लग रहा है। अब पता नहीं उन्होंने मतलब कि उसे नोटिस किया या नहीं किया, वो मतलब कि वो स्मूथली नहीं लग रही है, कहीं से नहीं कहीं लग रही है, वो म्यूजिक को अलग से थोड़ा सा लूप पे चलाया जा रहा है, उसके बाद फिर उसमें वॉइस ओवर किया गया, इस टाइप से लग रहा है, वो क्लियरली कहीं भी स्मूथ सॉन्ग नहीं लग रही है। बाकी बात करूँ अगर न्यू अपडेट की, तो आप लोगों को मतलब कैसे कैसे लोग हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, कितने लोग वो उसकी टीज जो मतलब कि कुछ पुष्पक सीन्स लेके जो उसे सबसे पहले दिन जिस दिन अनाउंस थी उस दिन आई थी, तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे चहेते जो हमेशा अल्लू अर्जुन की आवाज़ दे रहे हैं, संकेत माथरे वही ही उसमें भी आवाज़ दे रहे हैं, उन्होंने उनकी डब की है उस मूवी की, और अच्छी डब की है उनकी, मतलब डब पे कोई संकेत जो है ना कोई संकेत कर ही नहीं सकता, ऐसी उनकी जो डब है। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये निकाल दिया, कुछ रूमर्स निकल के आ रहा है कि नहीं संकेत माथरे जी की जो वॉइस होगी उसमें नहीं होगी, श्रेयस तलपड़े की भी नहीं होगी, किसी और को हायर किया मनीष शाह ने, तो यार सब पे रूमर्स पे ध्यान मत देना, संकेत माथरे की आवाज होने वाली है उसमें। और बात करूं इस मूवी पे जो है, जो तो ऑल कॉस्ट फिल्म के आई है, रिक्रिएशन में आई है, वो लगभग लगभग 2 करोड़ के लगभग आई है, जो मनीष शाह ने खुद बताया था कि हमें 2 करोड़ के आसपास इसकी डबिंग और जो भी एक्स्ट्रा जो रिक्रिएशन सॉन्ग करें उस पर हमें 2 करोड़ का खर्चा आ चुका है। और मनीष शाह जी ने खुद कहा कि आला वैकेंट प्रोमो की जो रीमेक बनने वाली सहजादा, उनके जो फिल्म मेकर्स है वो मतलब कि हमारे साथ उनकी रिलेशन काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम उस रिलेशनशिप को कहीं भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो कहीं पर इम्पैक्ट या इफेक्ट ना करें, इसलिए हम इसकी थिएटर्स को हटा दें रिलीज़ को, और हम इसे मतलब कि वर्ल्ड प्रीमियर करना चाह रहे हैं। आप लोगों को फिल्म मैं दूंगा, और ये भी मैं बता दूँ, जो अभी ये मूवी है OTT पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और जो ये मूवी मतलब कि आप लोग सोच रहे कि गोल्ड माइंस को ऑफिशियल चैनल पर अभी देखने को मिल जाए, तो फिलहाल ये नहीं होने वाला है। अगर आप लोग इसके मतलब देखने के स्टार्ट है तो आप उस दिन प्रीमियर पे आप लोग देख लीजिएगा, ये फिल्म कहीं भी आपको गोल्ड माइंस पे अभी आसपास नजर नहीं आएगी, ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। और उनका मेन टारगेट भी है ढिंचक, जो मतलब कि अंडररेटेड चैनल है, वो कहीं ना कहीं उनकी TRP बढ़ जाएगी, वो उनकी मतलब कि मेन फोकस है, वो मतलब कि लोग कहने रहे हैं, और वो मुझे पता है वो उनकी मेन फोकस वही है। तो आगे अगर किसी तरह की अपडेट और आती है इस मूवी से और नेक्स्ट किसी और मूवी की, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। बाय बाय।